नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। पश्चिम बंगाल से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल होता यूं है कि मालदा इलाके में कुछ लोग अपने खेत की ओर जा रहे थे, इसी दौरान वहां मौजूद लोगों की नज़र अचानक एक महिला की बॉडी पर पड़ती है। महिला की बॉडी के साथ इस कदर बर्बरता की होती है कि वो लोग पहचान भी नहीं पा रहे थे कि आखिर ये बॉडी किसकी है, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी जाती है और फौरन पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि महिला की बॉडी छत विछत अवस्था में होती है। इसके साथ ही महिला के बॉडी पर किसी धारदार हथियार से लगातार वार किया होता है, जिसकी वजह से उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। इसके साथ ही पुलिस ने मौके वारदात से कई जले हुए कपड़े, हथियार और एसिड और चूने के पाउडर को भी बरामद किया था। आपको बता दें कि महिला के साथ बर्बरतापूर्वक हमला किया गया था। इतना ही नहीं, महिला के साथ दरिंदगी भी की गई थी, यानी महिला के साथ रेप किया गया था, जिसके बाद उसकी पहचान मिटाने के लिए कातिल ने उसके ऊपर चूने का पाउडर डाल दिया था। इसके साथ ही उसने एसिड डाला था ताकि उसकी पहचान ना हो सके, और उसके बाद उसे मौत के हवाले करके वहाँ से वो फरार हो गया था। अगली सुबह जब वहाँ पे लोग जा रहे थे तो उनकी नज़र अचानक उस खेत पर पड़ती है जहाँ पर उस महिला की बॉडी पड़ी होती है, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। आपको बता दें कि महिला की उम्र 30 से 35 साल बताई जा रही है, और बॉडी जिस अवस्था में थी, पुलिस ने अंदेशा लगाया है कि हो सकता है कि महिला उस कातिल को जानती थी, यानी वो कातिल जो है बहला फुसला कर उस महिला को उस जगह पर मालदा इलाके में बुलाया था, जिसके बाद महिला चली जाती है और उसके साथ उस कातिल ने महिला के साथ वहाँ बर्बरतापूर्वक रेप किया, इसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। किसी धारदार हथियार से उसने उस महिला के शरीर पर इस कदर हमला किया था कि उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद उसकी पहचान छिपाने के लिए उसने अपने साथ लाए एसिड को उसके मुंह पर यानी फेस पर डाल दिया। इसके बाद भी जब उसके बॉडी की पहचान हो रही थी तो उसे लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, जिसके बाद उसने अपने साथ लाए चूने के पाउडर को उस महिला के बॉडी पर छिड़कने लगा। इसके बाद कुछ ही समय बाद वो महिला की बॉडी को आग के हवाले करके वहाँ से फौरन मौके वारदात से लापता हो जाता है। वहीं पुलिस की माने तो पुलिस ने बताया है कि शुरुआती जांच में ये लग रहा है कि रेप के बाद जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है, और हो न हो पुलिस ने ये भी कहा है कि कातिल महिला को जानने वाला था, क्योंकि उसने कॉन्डोम का इस्तेमाल किया है। रेप के पहले उसने कॉन्डोम पहना था, जिसके बाद उसने महिला के साथ रेप जैसे अपराध, जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। इसके बाद उसने महिला के साथ बर्बरतापूर्वक उसे मौत के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस अभी तलाश कर रही है। आरोपी को मानसिक रोगी भी पुलिस मान रही है कि हो सकता है ये किसी मानसिक रोगी ने किया हो, क्योंकि इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम देना किसी नॉर्मल व्यक्ति की बात नहीं है। हाँ, लेकिन पुलिस ने ये बात ज़रूर कहा है कि कातिल महिला को जानने वाला था, ये पुलिस ने अंदेशा लगाया है। फिलहाल अपराधी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, वो लापता चल रहा है। इसके साथ ही पुलिस को मौके वारदात से कई ऐसी चीज़ें मिली है जिसे पुलिस ने फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने घटनास्थल से चाकू, एसिड और कॉन्डोम के साथ ही जले हुए कपड़े भी बरामद किए थे, यानी वो जो कपड़ा है जला हुआ उस महिला का है। जब खेत में जा रहे लोगों ने महिला को देखा था तो उसकी बॉडी पर कोई भी कपड़े नहीं थे, यानी महिला पूरी तरह से निर्वस्त्र थी। इसके साथ ही महिला के शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाए गए थे, यानी महिला का पैर से लेकर सिर तक के पूरे जो पार्ट है उस पर कई तरह के धारदार हथियार से हमले किए गए थे, और उसके बाद उसकी जो फेस है जिससे उसकी पहचान हो सकती थी, कातिल ने उसकी फेस को इस कदर से बर्बरतापूर्वक उस पर हमला किया था कि उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है कि आखिर ये महिला जिसके साथ इस कदर बर्बरतापूर्वक हमला किया गया है, मौत के घाट उतार दिया गया है, वो कहाँ की रहने वाली है, किस घर से है, पुलिस को अभी ये तक पता नहीं है। पुलिस लगातार जाँच कर रही है। मामला जो है वेस्ट बंगाल का है। वेस्ट बंगाल के हरिश्चंद्रपुर थाना क्षेत्र के कुशीदा इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर इस महिला की बॉडी बरामद की गई थी। धान के खेत में महिला निर्वस्त्र अवस्था में मिलती है, जिसके बाद पुलिस तहकीकात में जुट जाती है। फिलहाल पुलिस के गिरफ्त से दूर है अपराधी। वहीं कातिल को ऐसा बताया जा रहा है कि वो मानसिक रोगी है, जिसकी वजह से पुलिस को ढूंढने में भी, तलाशी करने में भी दिक्कतें हो रही है। इसके साथ ही दूसरी ओर पुलिस लगातार
पड़ताल कर रही है कि वो जो मृत महिला है उसकी कोई पहचान हो सके, उसके परिवार का कोई खुलासा हो सके पहचान, ताकि उसकी बॉडी को उसके पास सौंपा जाए। इसके साथ ही फॉरेंसिक लैब में सारे जो चीज़ें बरामद की गई थी उसे भेज दिया गया है, मेडिकल जाँच की जा रही है ताकि आरोपी तक पुलिस पहुँच सके। फिलहाल इस मामले में जो कुछ भी होगा अपडेट हम आप तक ज़रूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।